उधर हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य में बेची जा रही शराब के दाम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति में भारत में बनाई गई विदेशी शराब और देशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद 250 करोड़ रुपए के राजस्व बढ़ने का अनुमान है। नई नीति के तहत 650 मिलीलीटर की मात्रा वाली बियर के एक क्रेट की कीमत में अधिकतम 20% की बढ़ोतरी तय की गई है। और हमारे सहयोगी अमनदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमनदीप, इस पूरी खबर पर आपसे डिटेल में जानकारी चाहेंगे। श्वेता, ठीक बात है, ये नई एक्साइज पॉलिसी है हरियाणा की, जिसकी वजह से जो देसी शराब है, अंग्रेजी और बियर, तीनों के रेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसका फैसला इलेक्शन के दौरान किया गया था, जब कोड ऑफ कंडक्ट था। मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री की ये पहली कैबिनेट बैठक में पहला फैसला था कि नई एक्साइज पॉलिसी को लाया जाए, ताकि राज्य का रेवेन्यू सोर्स जो है वो बढ़ाया जा सके। इलेक्शन कमीशन की परमिशन से ये मई के महीने में, 16 मई को ये फैसला लिया गया था, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई गई थी कि 12 जून से होगी, यानी कि आज होगी। आज से हरियाणा में शराब जो है, अंग्रेजी, देसी और बियर, इस सारी में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि राज्य का जो रेवेन्यू जो देखा जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए। और ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है, इसको नए मुख्यमंत्री ने लागू किया है, नई कैबिनेट के साथ डिस्कस करने के बाद, ताकि राज्य के जो एक्सचेकर है उसमें पैसा ऐड हो सके। लेकिन अभी तक जो पब्स, बार और जो शराब की दुकानें हैं, उनके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है कि आखिरकार ये शराब, महंगी शराब का उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आखिरकार उन लोगों के जो बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी अभी तक कोई भी जो जानकारी है, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल है कि नई एक्साइज पॉलिसी आज से हरियाणा में लागू है, जिसकी वजह से शराब, देसी, अंग्रेजी और बियर, तीनों चीजें महंगी होने जा रही हैं। जी जी बिल्कुल अमनदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।